नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सरचार्ज समाधान योजना है जिसका डेट बढ़ा दिया गया है, इसमें कौन कौन से लाभ आप ले सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, एक उपभोक्ताओं के सामने एक समस्या आ रही है कि उनके बिल में जब वो बिल जमा करने जा रहे हैं तो लिख के आ रहा है कि पेमेंट नॉट अलाउड फॉर क्लोज कंज्यूमर। इस समस्या का समाधान क्या है और ये ऐसा क्यों शो हो रहा है? पहली बात फ्रेंड्स, जो सरचार्ज समाधान योजना थी जिसका डेट एक महीने था, 30 तारीख को जो लास्ट डेट था, उसे बढ़ा के अब 15 जुलाई कर दिया गया है, यानी 15 दिन के लिए ये योजना बढ़ा दी गई है, जिसमें उपभोक्ता अपने विद्युत बिल पर अप्रैल तक के लगे हुए सरचार्ज को मतलब माफ करा के जो उनका मूल बकाया है उसे, यदि 1 लाख से अधिक मूल बकाया है तो 12 किस्तों में, 1 लाख से कम मूल बकाया है तो 6 किस्तों में बिजली के बिल को जमा कर सकते हैं। इसके लिए पहले ही हमने एक वीडियो बना दी थी। साथ ही फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, मान लीजिए किसी ने पहले से किस्त बनाई हुई है, उसके किस्त लैप्स हो गए हैं। कई लोग ये पूछ रहे थे कि कितने किस्त छूट जाने पर उसे लैप्स माना जाता है, फिर से सरचार्ज जुड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी 2 किस्तें लगातार छूट जाती हैं तो आपका जो है वो लैप्स हो जाता है और वो ब्याज फिर से जुड़ दिया जाता है। यदि कोई उपभोक्ता पिछले OTF में मान लीजिए उन्होंने करवाया था, किस्त बंधवाई थी और लगातार 2 किस्तें छूट गई, उनका सरचार्ज जुड़ गया है, तो इस OTS में वे फिर से लाभ ले सकते हैं। यानी वो जो सरचार्ज होगा उसके बाद का भी जो सरचार्ज होगा सभी माफ हो जाएगा और वो फिर से किस्त बांध कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि ऐसा क्यों शो हो रहा है। बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर हैं जो अचानक से उनका जो अकाउंट है बिजली के बिल का वो क्लोज शो होने लगा, यानी जब वो बिल जमा करने गए या बिल जमा करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे लिख के आ रहा है पेमेंट नॉट अलाउड फॉर क्लोज कंज्यूमर। फ्रेंड्स, ऐसा हुआ कि विभाग द्वारा जो डुप्लीकेट कनेक्शन है या ऐसे कनेक्शन जो बहुत दिनों से बिन स्टाफ पड़े हुए हैं उन्हें विभाग द्वारा बंद किया जा रहा है और उनके घर RC भेजकर मतलब बिजली के बिल की वसूली की जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई कनेक्शन है वो अचानक से ऐसा शो हो रहा है कि पेमेंट नॉट अलाउड फॉर क्लोज कंज्यूमर, इसके लिए फ्रेंड्स अब एक बार सब डिवीजन ऑफिस जरूर जाकर मिलिए और वहां पर अपनी समस्या बताइए और पता करिए कि आपका जो कनेक्शन है वो डुप्लीकेट कनेक्शन के कारण बंद हुआ है या बिल स्टाफ के कारण बंद हुआ है या अन्य कोई कारण है, क्योंकि विभाग द्वारा पिछले महीने ही बहुत सारे कनेक्शन को क्लोज किया गया है और उनके घर बिजली बिल वसूली के लिए RC भेजी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार सब डिवीजन ऑफिस जाकर इसके लिए संपर्क जरूर करिए और पता करिए कि आपका कनेक्शन क्यों क्लोज हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जिन बिलों पर RC भेजी गई होती है या न्यायालय के में जो मामले लंबित होते हैं वे लोग भी सरचार्ज समाधान योजना में लाभ उठा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उनको अपने बिल को पूरा का पूरा बिल ब्याज के बाद जो मूलधन होगा उसे जमा करना होता है और वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने बिल को माफ करा के उसका लाभ ले सकते हैं। फ्रेंड्स, सरचार्ज समाधान योजना सरकार द्वारा जो लाई जाती है यह इसीलिए लाई जाती है ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ लें और अपने बिल पर जो मूल उनका बकाया है केवल उसे जमा करें और जो ब्याज है वो सरकार छोड़ देती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी कनेक्शन ये शो हो रहा है कि पेमेंट नहीं रिसीव हो रहा है तो एक बार आप सब डिवीजन ऑफिस जाकर जरूर मिलिए और अपनी समस्या बताइए, वहाँ पर आपकी समस्या का उचित समाधान किया जाएगा। वहाँ पर सब डिवीजन ऑफिस पे आप SDO या फिर बिल कलेक्टर से मिल सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर फ्रेंड्स वीडियो समझने के मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। फ्रेंड्स, इस समय चैनल पर वीडियो जल्दी जल्दी नहीं पढ़ पा रही है क्योंकि सरचार्ज समाधान योजना चल रही है, काफ़ी व्यस्तता बढ़ गई है तो वीडियो बहुत देर देर से आ रही है। फ्रेंड्स, फिर भी मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा और आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू।